रूपा भारत अवार्ड जो है पहले उत्तर प्रदेश में किया जाता था, इस बार जो है मुंबई में उन्होंने किया है। एज ए अवार्डी हमको इनवाइट किया गया था। मैं तीन चाने का डायरेक्टर हूँ और ये जो है सलीम भाई है, साउथ के एक्टर हैं और प्रोड्यूसर, तो इन्होंने इनवाइट किया तो हम आए हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है, तो बड़ी खुशी हुई। वैसे तो अवार्ड बहुत मिलता है, तो इस अवार्ड मिलने के बाद कितना जो है कितना जिम्मेदारी बढ़ जाती है? जितने अवार्ड्स आपको मिलेंगे उतनी जिम्मेदारी आपकी बढ़ी, क्योंकि आपको उतना क्वालिटी वर्क देना पड़ेगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? शुभ अवसर के लिए आप लोगों ने सम्मान देने के लिए बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ आपका। बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग ऐसे अवार्ड में आते हैं, जो इतनी इज्जत से आप लोग हमें एहतमाम करते हैं, स्वागत करते हैं, ये बहुत बड़ा अच्छा लगता है। और हम नसीब वाले हैं जो ऐसे फंक्शन के लिए हमें बुलाया गया है, और आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने बड़ी खूबी से हमें इन्वाइट किया। थैंक यू। ओके थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू, आप सबको नमस्कार। बॉम्बे में आए हैं पहली बार, पहला और फंक्शन पर आए हैं, आप लोगों ने अच्छे से इन्वाइट किया, स्वागत किया, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सब लोगों का शुक्रिया, पहले अवार्ड में आए हैं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल, और आए हुए यहाँ जितने भी प्रेस से मीडिया से आए उनको सबको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप लोग यहाँ आए। उप्पा अवार्ड जो यूपी से है, लखनऊ से, और ये दूसरी बार मुझे मिल रहा है। पहले यही अवार्ड मुझे लखनऊ में मिला था और आज हमारे काम के वजह से दे सकूँ, तो आप समझिए कि बहुत ही खुशी है इस बात की कि ये यहाँ चल के आया। यहाँ के लोगों को मतलब बहुत ही उत्साह मिलेगा, उनकी सक्सेस में उनको कामयाबी भी मिल रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे जो जिनको मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? भाई जिनको मिल रहा है वो तो खुश है ही, मगर जिनको नहीं मिल रहा उनको भी खुश इसलिए रहना चाहिए क्योंकि आस है तो विश्वास है, विश्वास है तो आस है, तो उसमें ये कामयाबी रहनी चाहिए कि भाई नेक्स्ट टाइम हम जब आए यहाँ और इस अवार्ड में तो हमारे हम भी नॉमिनेशन में रहे। तो और बाकी सब बहुत बढ़िया है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। डायरेक्टर प्रोड्यूसर राजस्थान की आन बान शान केसी बकोड़िया साहब है, जो कि उप्पा अवार्ड के बहुत बड़े हकदार हैं। ऐसे तो इनको अवार्ड की कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं कि इन्होंने औरों को ही अवार्ड दिया है अपनी फिल्म के माध्यम से। आज हम चाहते हैं कि जिस उप्पा अवार्ड को इन्होंने आके गरिमा बढ़ाई है तो दो शब्द और बोलिए इनके लिए। सर मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे को सबीर भाई एंड फैमिली ने बुलाया, मैं आ गया और आके सबसे मुलाकात हो गई। धन्यवाद इनका और ये हमारे भाई से मुलाकात हो गई, भाभी से हो गई, सबसे हो गई। और अभी 50 ईयर हो गया मुझे, 60 फिल्म भी अब रिलीज, हाँ वो पिक्चर रिलीज है, एक तेरी मेहरबानी पार्ट टू, एक सिग्नेचर अनुपम खेर वगैरह, और बाकी बस ये सात फिल्में बना ली और सारे भी हमारे साथ काम किया और ये हमारे राजस्थान की शान है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। आप कैसे सर, कैसे सर, ये अवार्ड लखनऊ में होता था, बस एक दो मिनट, मुंबई में हो रहा है उसका कितनी बड़ी बात है ये? मुंबई लखनऊ भाई भाई है यार, आधा मुंबई तो लखनऊ में शूटिंग कर रहा है, तो योगी साहब और पूरे लखनऊ सरकार, और अभी मैं शूटिंग करके आया सिग्नेचर, अनुपम खेर, अनु कपूर वगैरह सब थे, दे आर द बेस्ट, सो यूपी एंड लखनऊ एंड बॉम्बे भाई भाई है। इनको दे दे, इधर ही दे, फर्क है नहीं, इनको इधर ही दे। अच्छा, इतना बड़ा ट्रॉफी मिला है, बड़ा जवाबदारी मिली है मुझे, मैं ये बोलना चाहती हूँ, मतलब मुझे इतने अवार्ड्स मिले हैं मगर दिस अवार्ड इज सो क्लोज टू मी, आई कांट एक्सप्लेन यू रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर मैन, लकी चार्म ऑफ माई लाइफ, बिकॉज आई स्टार्टेड माई मॉडलिंग एक्टिंग थ्रू हिज कॉन्टेस्ट, आई बिलोंग टू लखनऊ एंड नाउ आई एम वर्किंग इन मुंबई जस्ट बिकॉज ही गेव मी अ राइट प्लेटफॉर्म एंड आई एम हियर। थैंक यू सो मच वामी जी, थैंक यू सो वेरी मच, सीरियसली। या लकी मानती है
अच्छा लग रहा है. आई कॉन्ट एक्सप्लेन यू, आई डोंट हैव वर्ड्स टू से, बट मैं सच बताती हूँ दिल से इतनी खुशी हो रही है कि मतलब. और स्पेशली पता है क्यों, क्योंकि हमारे लखनऊ के लोग बॉम्बे में आके इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है. देखिए मैं डॉक्टर विमल गुरु जी भोपाल से हूँ. भव्य कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिन कलाकारों का चयन किया है वो बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत सही तरीके से, बहुत ईमानदारी से. आज जिन लोगों को अवार्ड मिला है, को अवार्ड मिला है, ये उसकी पात्रता है, 100% पात्रता रखती है. ऐसे कलाकारों को जो सम्मान दिया है, मैं उन लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ. और इस भव्य कार्यक्रम में एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये कलाकार खूब आगे बढ़े, उन्नति करते रहें, खुद का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, बम्बई का नाम रोशन करें, सारे महानगरों का नाम रोशन करें, अपने पूरे परिवार समाज का नाम रोशन करें. और जो आयोजक जो मेरे साथ में है भाई साहब, मेरे आदरणीय, इन आदरणीय इतने इतने विनम्र हैं, इतने इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि इसका अंदाजा नहीं लगाया सकता. यही विनम्रता होती है, यही बड़प्पन होता है. आज इनके सौजन्य से, इनके और साथियों के सौजन्य से इस भव्य कार्यक्रम के लिए मैं बहुत 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 हृदय से बधाई देता हूँ. धन्यवाद. जय हिंद. इससे पहले लखनऊ हुआ, काठमांडू किया, सिंगापुर किया हम लोगों ने. एंड दिस इज द दिस अवार्ड इज डेडिकेटेड टू दोज जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कला, संस्कृति, फिल्म, स्पोर्ट्स, अलग ज्योतिष, इंटेलेक्चुअल, साहित्य, लिटरेचर, जिसमें जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूशन उनके लिए गया. अगला कदम दिल्ली, दिल्ली. आज जो है इस बात के लिए मिला है और ये भारत और क्या कुछ कहना चाहिए. मैं डायरेक्टर हूँ, साउथ से हूँ, तो यहाँ पे मैंने हिंदी फिल्म बनाई थी तीन शाने, और ये सलीम भाई है, प्रोड्यूसर है, साउथ से हैं, अभी फिल्म कर रहे हैं साथ. तो हमारी फिल्म उन्होंने देखी थी, मम्मी जी ने भी, उनको बहुत काफ़ी पसंद आया था, अपना काम पसंद आया, तो उन्होंने जो है भारत का अवार्ड के लिए हमें नॉमिनेट किया, और ये अवार्ड, ये सम्मान दिया गया. इसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने टैलेंट को देख के जो है हमारी जिम्मेदारी और बढ़ाई आगे. बस इतना कहते हैं, थैंक यू. जी मैं साउथ से प्रोड्यूसर हूँ, और अपकमिंग मेरी फिल्म आने वाली है, उसका हीरो भी हूँ और प्रोड्यूसर हूँ. इसके लिए हमारे काम को उन्होंने पसंद करके ये अवार्ड दिया है, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हम लोग आपके सामने आए हैं, और आपका शुक्रिया, अवार्ड करने वाले का शुक्रिया. जी नमस्ते, धन्यवाद. थैंक यू. इनका मुझे, मैं तो उत्साहित हूँ, मुझे अवार्ड दिया है. आई एम थैंकफुल टू द मोरल टीम और UPA भारत अवार्ड्स के लिए. लेकिन इसमें जो स्लोगन था इनका, भारत को मोरल जगाना है, भारत बनाना है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ. और बाकी आई एम हैप्पी, मीन्स अ लॉट टू मी. मेरी आने वाली फिल्म है अभी शुभ निकाह, जो रिलीज़ हो रही है 10 मार्च को. मेरी प्रीवियस फिल्म थी ऑफिसर अर्जुन सिंह IPS, अभी शुभ निकाह आ रही है, तो उसी की तैयारी में लगे हैं. हमारी अभी एक मोदी जी की बेटी लास्ट रिलीज़ हुई थी 14 अक्टूबर, तो नेक्स्ट रिलीज़ में लगे हुए हैं अभी 2-3 फिल्में लाइनअप. थैंक यू सो मच. अरे इधर आओ ना. सर पब्लिक तो आपने देखी कि मैं हर वक्त यही बोलता हूँ कि हमारा नारा है खेल देखो बंदर का माल निकालो अंदर का, ये हमारा नारा है. खाने को खाते नहीं लोग पिक्चर देखते. आज पब्लिक ही हमारी पिक्चर को हीट करती है, पब्लिक ही हमारी पिक्चर को क्या बोलते हैं सिल्वर जुबली करती है, गोल्डन जुबली करती है. आज दुख ऐसा है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी हिंदुस्तान में हुकूमत करती थी, आज 999 कंपनी हुकूमत करने की वजह से अलग अलग कंपनियाँ आ गई, और पिक्चर रिलीज में इतना तकलीफ है कि वो माफिया हो गए. पहले 100 रुपये में पूरा घर खाता था, पीता था, पिक्चर देखता था, आज 1000 रुपये में एक आदमी पिक्चर नहीं देख सकता. तो मेरी दिली गुजारिश है कि थिएटर, हमेशा बोलते आया हूँ, आपको भी मालूम है,
अखिलेश भाई के थिएटर का रेट कम करे, पॉपकॉर्न पेप्सी का रेट कम करे और पिक्चर पहुँचाए। ये 12वां हमारा अवार्ड है जिसमें दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और बड़ी बड़ी हस्तियों को हमने अवार्ड दिया लखनऊ में, और ये मुंबई में करने का मौका मिला और अल्लाह ने सक्सेस किया। थैंक यू। आज के सी कपाड़िया जी और धीरज जी वगैरह ऐसे बड़े दिग्गज यहाँ चेहरे आए, तो क्या कहना चाहेंगे और कितने कितने लोग आए? सर क्या है, मैं मीडिया को बोलता हूँ कि सब चिकनी चमेली को आप दिखाते हो, ये लोग पीएचडी के प्रिंसिपल हैं, इन्होंने जो फिल्में दी है केसी पुकड़िया 60 फिल्में, आज भी फिल्म कर रहे हैं, उनकी सिग्नेचर आ रही है। धीरज कुमार टीवी का पीएचडी का प्रिंसिपल है, आज फिल्म का अवार्ड, गिनीज वर्ल्ड, सब जगह उनका नाम है। तीसरा जूनियर महमूद बचपन से काम कर रहा है, मेरा दोस्त है, बचपन से काम कर रहा है, तो सर उसको बढ़ावा नहीं देते और उल्टा सीधा चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। ये हमारा मकसद है कि आगे पहचान